दोस्तों ये इंस्पायर जो ग्रुप है, मैं मिला हूँ कई साल, कई चीज का मैं फेसबुक पर उस पर देखता हूँ, अच्छे लगे और ये भी मेरे स्टाइल के लोग ही लगे है, तो काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ मेवाड़ी लोगों से भी बातें कर रहे हैं, मेवाड़ी को कुछ और प्रोत्साहन देने के लिए मेरे जैसे आदमी को भी बुला रहे हैं, तो इनको फॉलो करें। उसमें तो काफी इंग्लिश की जरूरत भी पड़ती है आजकल की जो पत्रकारिता है, फिर भी इतना प्राउडली इतना
कॉन्फिडेंस अपनी लैंग्वेज को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? देखो प्रेजेंट क्या, देखो ठीक है बड़ा आदमी बन गया जी सर, 30-40 साल पहले कोई बड़ा आदमी नहीं था, नहीं देना तो कभी मेरी उम्र है, आपको थोड़ी देर पहले बताया दर्शक को बता दो 63 इयर्स ओल्ड आई एम, मतलब अब आप मेवाड़ी में क्योंगे ना क्या, मैं वो तो बूढ़ो हो गयो जी सर, हाँ वो तो बूढ़ो हो गयो, तो बूढ़ो हो गयो मैं बात मेवाड़ी की कर रहा हूँ, तो वो तो मारा बूढ़ो हो गयो कारण के मारे 2-3 बेटा बेटी है और बेटा बेटी ने भी बेटा बेटी है, यानी कि मारा पोता भी है। अच्छा हो जी, तो पोता पोती भी उम्र भी लगभग 4-5 साल की, तो ये अब मेवाड़ी है, तो ये बात क्या होता है कि आपने जो प्रश्न पूछा कि आजकल के लोग यार क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते, पुराने जमाने की मैं बात करूं ये तो हमारे बाप दादा की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यार मान लो आपने पेंट पहन ली, टी शर्ट पहन लिया, बुशर्ट पहन लिया, अब आप कहीं सोसाइटी में खड़े हो, किसी पार्क में खड़े हो, कहीं किसी अधिकारी के पास गए हो या किसी स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, तो आपको बहुत डिसिप्लिन में ढंग से बात करनी पड़ेगी, मतलब हम तम जो भाषा है शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी या प्योर इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर आपने मान लो मैं कहीं गाँव से आया, मेरा गाँव ही था, मैंने बोल दिया अरे वो तो बटे क्यों, और बटे की मैंने हाउ रोटा भी नहीं मिले यार, बटे की कचोरी भी हम नहीं मिली, रावड़ी भी हम नहीं मिली, और रोटे खावा रहे पापा बड़े यार, तो बात नहीं करेगा ना चाहिए नावड़े आ गया इधर यार, चलो उसको छोड़ा यार, अपने पीछे खराब हो, तो हमारे ही लोगों ने जो अच्छी अपनी मातृभाषा यानी कि मेवाड़ की मेवाड़ी बोल रहा था उसको स्टॉप कर दिया, उसको डिसरेस्पेक्ट किया। ये हो गया मामला। तो सर आसपास के अपने राज्यों की बात करें तो गुजराती बाहर से भी यहाँ पर भी आता है, वो प्राउडली गुजराती बोलता है, महाराष्ट्रियन प्राउडली मराठी बोलता है, साउथ के लोग प्राउडली साउथ की लैंग्वेज बोलते हैं, ये स्पेशली अपने आप में क्यों है ऐसा कि अपने यही इतना भाषा को लेके है, बिकॉज अगर गुजराती इतना भी पढ़ा लिखा हो वो घर में गुजराती में ही बात करता है, अपने आप में मेवाड़ी बोलने का आजकल के माता पिता कहते हैं कि मेवाड़ी में बात मत करो, तुम इंग्लिश में बात करो, जमाना इंग्लिश का है, आजकल के पेरेंट्स इस टाइप से होते जा रहे हैं, तो क्या कारण है उसकी मजबूरी? जी सर, मान लो मैं उधमपुर शहर में आ गया, मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन पैसे कमाए तो बच्चे बच्चे को सब एमबीए यूनिवर्सिटी में सबने पढ़ाया, लेकिन जब मेरा सेकंड नंबर बेटा तो मेरे दोस्तों ने कहा यार ये बच्चा बहुत स्मार्ट है तेरा यार, तुम सुनो तेरे जीवन तेरे पास 2 पैसा है यार, आप ही देखे सबसे पहले तो पूछा आप क्या करते हो, माँ क्या करती है, और मैंने सारी इंग्लिश में बात की, मेरे को इंग्लिश आई नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आई, मैंने कहा साहब मेरे को नहीं आती है, मेरी पत्नी जरूर एडमिशन उसने नहीं दिया बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती, तो मेरे बेटे को नहीं दिया, तो फिर मैंने किसी को चेक लगाया, बॉस पर उसको चेक लगाया, फिर उसने चेक लगे, फिर थोड़ा बहुत पैसे खाए डोनेशन देना, फिर उसको एडमिशन मिला, तो मतलब ये हो रहा है कि जिस स्कूल में आप जाते हो सब पेरेंट्स वो सबसे पहले देखते हैं आप शुद्ध हिंदी बोलते हो, ये इंग्लिश आपको आती नहीं आती है, मेवाड़ी को तो सवाल ही नहीं, सरकारी स्कूल ही ढंग से परमिशन एडमिशन नहीं देते, तो इसलिए हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ही मेवाड़ी को पेंट लगाया कम किया। सर आपकी जीवन में आपको कब जैसे कोई इंसिडेंट बताया आपने कि आप स्कूल में एडमिशन लेने गए थे तब, बाकी आपको पत्रकारिता का जीवन में आपको कब फील हुआ कि नहीं यार मेरे को यार यहाँ अगर इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी आती तो मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छे से काम कर लेता या ज्यादा अच्छे से बात कर लेता, ऐसा कभी फील हुआ आपको? नहीं हुआ ही नहीं। अच्छा कोई हुआ ही नहीं, हाँ कभी जिंदगी में नहीं हुआ। और दूसरी बात बता दो जो मेरी लाइन है ना टीवी वाली आप भी टीवी देख रहे हो जी सर, तो मेरी लाइन में मतलब मैं कभी जिंदगी में 25 साल से टीवी में बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं मैं
जी न्यूज का स्टिंगर रह चुका और उदयपुर शहर का पूरे मेवाड़ का सन 2004 में प्रथम जी न्यूज इंटरनेशनल चैनल का स्टिंगर था। अच्छा 2004 से जी 2 साल से था जी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग भी टीवी में देख रहे हो अच्छे अच्छे न्यूज बोलने वाले फेल होकर चले गए, लेकिन छोटा लाल को सबसे पहले देख रहे थे पूरे उदयपुर वाला मेरा कहता है अपना बेटा या अपना भाई है। और उसी स्टाइल की फेमस होने के कारण आपने मुझे बुला लिया। अब मैं इंग्लिश इंग्लिश जानता मान लो मेरी ढंग की जगह आप लोग बुलाते ही ऐसी इंग्लिश सब कुछ जानता है। तो कुल मिलाकर मेरी मैंने जो जिस हिसाब से चल रहा हूँ वो परफेक्ट देसी। आपको आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी है पुराने जीवन में जो चेंज करनी पड़े आपको कि हाँ मैं शायद इंग्लिश मीडियम से पढ़ता या फिर इंग्लिश आती या मेवाड़ी में ही बात करता, ऐसा कभी आपको जीवन में और भी जिंदगी में सोचा ही नहीं। मैंने सोचा ही नहीं, अगर सोचा था तो मैं मुश्किल की तरह बैठता ही आगे मुश्किल अपने आपको ही हो जाता। आज भी बड़े बड़े चाहे मिनिस्टर हो कलेक्टर हो कलेक्टर कोई भी हो अपनी बात सटीक रखता हूँ अपनी भाषा बोल रहा है तो कोई भी अपनी भाषा जैसे थोड़ी देर के लिए आपको नई चीज आप यहाँ से हिमाचल प्रदेश में अपनी कार में जा रहे थे ठीक है जा रहे हो और हिमाचल प्रदेश में जाते ही एचपी एचपी सारी कार की गाड़ी वही दिखेगी आपको दिखेगी ना। और आपकी है आज 27 थी, थोड़ी देर बाद अगर मान लो किसी ने एक ओवर टेक की और उसमें लिखा हुआ 8/27 आप खुश हो जाओगे अपनी गाड़ी चल रही 8/27 तो यार जब वहाँ कोई गाड़ी वाले को जान तो नहीं कुछ नहीं 8/27 लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है तो आप खुश जाते वाले यार अपनी गाड़ी वाला जा रहा है अपने अपने उदयपुर का गाड़ी वाला जा रहा है तो आपको खुशी होती है। तो बट आप अपनी नेशन भाषा में बात करेंगे तो अपना खुशी होगी कि अपना है उससे क्या अपना तो लगेगा अपना मन लगेगा बड़ी चीजों पर क्या होगा मतलब का मतलब यस लेकिन जब औकात जो शब्द चला ना मेरे ख्याल से तो यार ये औकात शब्द जहां से चला औकात का मतलब था जमीन। औकात का मतलब आप किसको ले हो अपनी जमीन जमीन तेरी औकात क्या है तेरी जब मतलब तेरे पास क्या है क्योंकि उस जमाने में जब से ये औकात शब्द वर्ड बना होगा उस जमाने में न तो कोई सोना था न चांदी थे न कोई गहने थे और न मुद्राएं थी तो औकात तेरी औकात क्या है तो अपनी जमीन है तेरे पास यस जमीन। कई लोग कहते हैं वो खाद में मिला दूंगा थोड़ी सी खाद क्या खाद खाद का मतलब मिट्टी खाद का मतलब मिट्टी तो ये देसी भाषा है तो करंट भी ज्यादा आया बड़ा चीज है तेरी औकात क्या है वो खाद में मिला दूंगा तो ये अपनी अपनी बातें हैं। तो सर यही मैं पूछना चाहता जैसे आपने आपकी औकात और हैसियत में डिफरेंस बताया तो मैं ही बोला जैसे हमारे स्कूल में भी कभी अगर वो टीचर कहते थे अपने फादर को बुला के लाना था पापा को बुला के लाना तो बुरा नहीं लगता अगर वो वहाँ पे कहते थे कि अपने बाप को बुला के लाना वहाँ थोड़ा सा लग जाता कि यार टीचर ऐसे कैसे बात कर रहा है जबकि वर्ड कोई ऐसे ही नहीं है सारी चीजें भाषाओं का फर्क नहीं है लेकिन उस भाषा में इतना फर्क पड़ गया है कि बाप एक तरीके से उसको गाली लग जाता है लेकिन पापा या फादर नहीं लगता। और अभी तो तुम आप इधर चले जाओ शेखावाटी में झुंझुनू सीकर तो वो साफ बोलते हे बाप तू तू करके बात करते हैं बिल्कुल चाहे पत्नी को माँ को बाप को दादा को हे तू तने के बेरो तो वो इस तरह से करते हैं। तो बट शेखावाटी में भी लोग अपनी भाषा का प्रयोग ज्यादा करते हैं। आप जयपुर चले जाओ जितने भी जयपुरी हैं वो सब अपनी भाषा की बात करते हैं लेकिन हमारे उदयपुर में अपन जैसे लोग अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। दो तरीके के उदयपुर बढ़ता हुआ देख रहा हूँ सर मैं एक तो जो डेलीगेट और सूरज को इसके अंदर का उदयपुर है जहाँ पे मेवाड़ी को फिर भी रेस्पेक्ट मिलती है दुकानदार सब आपस में ग्राहकों से मेवाड़ी बात करते हैं। एक उदयपुर है डेलीगेट के बाहर का नवरत्न की साइड का जो उदयपुर है यहाँ पर अगर आप देख लें चाय के यंगस्टर्स मिलते हैं वहां अगर वो मेवाड़ी में बात भी कर ले तो लड़के लड़के उसको डिसरेस्पेक्ट से देखते हैं एक कमतरी के भाव से देखते हैं
कि यार ये आदमी यार ये तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर ये ओल्ड सिटी का है, डेलीगेट का है, वहां का है, इसको आती नहीं बात करना, तमीज नहीं इसको बात करना। तो सर इतना इतनी हीन भावना अपनी खुद की भाषा को लेके यार, हीन भावना मैं तो मेरे कह रहा हूँ यार, खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखो ना यार। तुम क्यों अब इसको कहते हैं, तुम क्यों हिंदी में बनते हो अपनी भाषा में, तुम क्षेत्रीय क्यों बनते हो अपने आप को मर्द बनाओ अपनी बात को, अपनी जब तुम ईमानदार हो, तगड़े हो, सही हो तो अपनी बात को ढंग से रखो ना यार, उसमें क्या बुराई है। मैं सर पिछले 2-3 साल से CSR और इंस्पायरों के साथ जुड़ा हूँ, मैंने मेरी मैं उधर तथा कथित बड़े लोगों से मिला हूँ इस चक्कर में, CSR और इन सब के चक्कर, मैंने एक बड़ी पोजीशन के पे पहुंचने के बाद कितना ओपनली बोलते हुए जो दिल में है सीधा कोई फिल्टर नहीं हुआ, जो दिल में है सीधा रास्ता निकल, मैंने किसी को नहीं कहा, इतना असर जज्बा और इन चीजें लाते ना सर। शुरू से ही यार डे वन क्या मैं बोर्ड था जी सर, बोर्ड बोर्ड का मतलब यार एक शौक होता है, बोर्ड को सर मेवाड़ी में कहते हैं, बताना पड़ेगा सर मेवाड़ी में टूटा स्ट्रॉन्ग बोर्ड, हिम्मत वाला भी हिंदी हो गया, हिंदी हो गया बोर्ड को मतलब क्या कहते हैं उसको, बोर्ड में जोड़ा जोड़ा राइट सर, मैं शुरू से बहुत जोड़ा रहा जबरदस्त जी सर है अभी भी है ठीक है ना, जोड़ा जबरदस्त है, मान लो कई छोटे पढ़ने की जरूरत नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे दारवाड़ स्कूल में, और फिर माँ बाप कहते थे जा पढ़ना जा स्कूल से भाग कर हम फिल्मों में फिल्म देखने चले जाते थे पूरे दिन भर, और 10वीं क्लास में कम से कम फिर 3-4 बार फेल हो गया था तो, लेकिन अब फिर शौक जो बढ़ा ना फिल्म अमिताभ बच्चन की धर्मेंद्र की फिल्में देख के तो शौक तो वही आया, भले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी अमिताभ बच्चन कई सारे पढ़े लिखे लेकिन उनकी जो फिल्में आती है वो तो देसी स्टाइल की बातें होती है सारी यार, बिल्कुल ठेठ कहीं गाँव का कहीं दादा कहीं गुंडा कहीं मवाली, तो हमने वो भाषा ज्यादा कैप्चर कर लिया अपने आप में, कोई सामने बोलता तो उसी मतलब फिल्मों से कई सारे लोग ने सीखा, बाल लोग पहले छोटे छोटे बाल होते थे, अमिताभ बच्चन आया तो थोड़े बाल बड़े लंबे कर दिए, पहले हम दाढ़ी रखते थे हम लोग गुंडा कहते थे, आज तो आप भी दाढ़ी मैं भी दाढ़ी, मेरी स्वयं की पत्नी से मैंने लव मैरिज की है, वो कॉलेज में पढ़ती थी तो वो बोले यार ये दाढ़ी बड़ी, मैंने दाढ़ी तो मैं नहीं कटता हूँ, मेरी मेरी रुचि है ऐसे लोग डर जाते हैं। अच्छा अब भाई गुंडे बाबा ने दाढ़ी क्यों रखते सर, कौन आपकी उसने बुखार को डर रहा है कुछ, जब इतनी बातें हुई कि शादी करेंगे ये करेंगे तो करेंगे तो। अच्छा सर आपने आपकी पत्नी को जो प्रपोज किया था मेवाड़ी में कहता है या इंग्लिश हिंदी कुछ अलग से पोएट्री कविता को तैयार करके लेकर? अरे भैया ऐसा नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं थी, लोग दोस्तों का स्कूटर मांग के जाते हैं, उसको बताते हैं हमारे पास भी स्कूटर है। अच्छा बहुत ज्यादा करना पड़ता है नाटक, सबको करना पड़ता है, बाद में उनको पता पड़ा कि स्कूटर आता नहीं है तो ये वो धीरे धीरे 2-3 साल तक लव चला जी, तो फिर वो बाद में बातें आई कि यार फिर तो मेरा पता चला पत्नी को गड़ गए हमें तो फिर भी हमारा इतना वो लगाव हो गया था कि शादी तो करनी पड़ी थी, सारे दोस्त जैसे आपने भी लव किया होगा या कुछ भी किया होगा, और एक साथ 5-10 साल मतलब 3-4 साल लव करोगे तो आपके भी 50 दोस्त होंगे ना जी, तो आपके 50 दोस्त सामने वाले के भी 50 दोस्त तो आपस में पता चल जाता है, तो जब 50 दोस्त को आपको पता है तो अगर आप उससे दिन चोरी से लव नहीं करोगे तो सारा धोखेबाज है, कमीना है, कुत्ता है, इस बात सुनोगे तो मैंने भी वही चीजें मुझे मालूम है, अच्छा मुझे तो लव करना था लेकिन फिर सामने देखना था कि मेरे जो दोस्त मेरे को समझाते थे तो ऐसा मत कर ऐसा मत कर, 4 साल बाद अगर मैं उसको धोखा देता तो मैं कितने 100 या 200 लोगों के सामने मैं धोखेबाज रह जाता, क्योंकि 50 दोस्त उसके थे तो 100 दोस्त मेरे भी थे और 4 साल लव चला तो, लेकिन लव करने के लिए थोड़ी तो शर्ड़ाई करनी पड़ती है, शर्ट अपना अच्छा नहीं है तो दोस्त से बोलते थे यार मेरा 2 मिनट शर्ट दे यार उधर घूम के आता होगा, तेरी स्कूटर दे, साइकिल नहीं तो साइकिल ले जाते हैं, तो ऐसा सब कुछ करना पड़ता। वहां अगर मैं वो छोड़ी पड़ रही कॉलेज में गावड़े का अगर मैं वहां देसी हिंदी भाषा बोलूं वो खुद ही कहती कि बकवास है गावड़े का सर आएगा, तो ये कई सारी ऐसी बातें होती है जो मेवाड़ी आदमी को भी ढंग से बोलना पड़ता है। अभी गावड़ा से जैसे भिंडर गावड़ से कोई आदमी आया डॉक्टर के पास तो वो भिंडर गावड़ का आदमी उस डॉक्टर से मिलने के लिए तुरंत अपने आप हिंदी में
सर हमने जब भी कैंपेन लॉन्च किया था हैशटैग बस मेवाड़ी, हमारा हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है। इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए आजकल के बच्चों को, अगर पढ़ा लिखा और आगे बढ़ना तो इंग्लिश आनी चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी अपनी मातृभाषा है उसकी। हमारा था कि जो मेवाड़ी के प्रति हीन भावना है वो नहीं रखे आजकल के बच्चे, बोले कुछ भी लेकिन कम से कम उतनी रेस्पेक्ट जितना गुजराती देता है गुजराती को उतनी आपने उसकी आदि भी मिल जाए मेवाड़ी को तो भी बहुत। देखो एकदम आप ऐसा मत करो, कारण के अब जो ये कल्चर चला ना 5-10 साल से 15 साल से अब प्योर मेवाड़ी चलने लगी, बातें आपस में कर लेते हैं आपस में, पहले तो डरते थे कि मेरी इज्जत खराब नहीं हो जाए। पहले आज से 20-25 साल पहले लोग डरते थे, अरे यार मैं कहीं गावड़े की भाषा इधर बोल दूंगा, अरे आप तो क्या बताओ, मैं जब 9th और 10th में पढ़ता था ना, मैं तो गाँव का हूँ, तो जिस क्लास में पढ़ता था हम भाग के जाते थे पीछे देखने, कई सारे दोस्त ऐसे कह रहे थे अरे यार ये तो गावड़े ले यार, इसके पास पेंट भी नहीं है, इसको पिक्चर देखना अपने साथ भी ले जाए। अच्छा तो कई सारी मुसीबतें उस गावड़े के आदमी को आती है, तो धीरे धीरे उसको अगर जिस समाज में रहता है उसको वैसा उसको बनना पड़ता है, मजबूरी। आपने अभी पहले जब स्टोरी सुनाई तब आपने एक वर्ड लिया था, वर्ड यूज किया था कुत्ता, मेरा एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था सर, कटरनाथ वाला वीडियो तो बहुत वायरल हुआ था। मेरा पॉइंट ये था सर कि जब किसी को डॉग कहते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता, कुत्ता के तो थोड़ा बुरा लगेगा, कटरनाथ कहते हैं वो आदमी लूज कर जाता है, बिगड़ जाता है अगर मेवाड़ी में बोलूं तो। सर जब शब्द एक ही है, मतलब एक ही है, सारी चीजें एक है, केवल उस वर्ड से उतनी दिक्कत क्यों है? अच्छा
हमारे मेवाड़ के जो आज राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष है सीपी जोशी साहब, सीपी जोशी साहब नालवाला से एमएलए भी है, लेकिन जब वो केंद्र में मिनिस्टर थे सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने 3-4 महीनों में अपना पूरा ये जो चीरवा का घाटे को फोर लेन बना दिया, इतने बड़े पहाड़ को काट दिया, आज हम रोज फिर उनसे दौड़ के जा रहे हैं। तो अब ऐसे कांग्रेस की नेता की तारीफ करनी पड़ेगी यार। तो कांग्रेस का नेता जब कोई बोलता है ना अच्छा काम करता था, उसकी भी तारीफ करता है, राजनीति नुकसान होता है इस चीज का। मुझे नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं, मैं सच्ची बात बताता हूँ। मान लो हमारे गुलाब चंद खड़े रहे, आपने मेरी बातें देखी होगी, जो भी टीवी देख रहे होंगे, जो जुएटी पुलिया थी पेड़ वो नीचे थी, हल्का सा पानी आ जाता, 3 महीने रोड बंद हो जाता था। किसी भी नेता ने 25 साल से उस यूएटी पुलिया को ऊंचा नहीं किया, और मैंने गुलाब चंद जी कटारिया जब पिछली सरकार में गृह मंत्री थे उनको बोला, आदरणीय गुलाब चंद जी साहब ये पुलिया को कोई ऊंचा नहीं कर सक रहा, और पब्लिक बहुत परेशान होती है, सैलू की बाड़ी में जाने वाली, यूएटी जाने वाली, बदसागर जाने वाली। तो गुलाब जी ने राम निवास मेहता जो हमारे सचिव थे यूएटी उद्योग पूछे उनको कहा, और राम निवास जी मेहता ने ऊंची कर दी। तो कुल मिलाकर मान लो मैं पॉपुलर हो, मैं मतलब आपकी बात सुनी जाती है, मेरी बात सुनते हैं, मेरी कांग्रेस भी सुनती है, मेरी बीजेपी भी सुनते हैं, तो सही बात तो गुलाब जी ने कर दी। सीपी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया था, वो कर दिया उन्होंने। अब कोई नेता अच्छा काम नहीं करता तो मैं जबरदस्ती उसकी तारीफ क्यों करूं, ये हालचाल है। तो सर पत्रकारिता और राजनीति को अलग रखते हैं आप, ये चीज आप कहना चाहते हैं। रखो रखो जी। तो मेरा अगला उसे नहीं था सर, कि जैसे आप जिस पार्टी से आते हो, आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर है मिर्जापुर में, उनके उनकी एक बार जीवन पिछली थी सर, आपके पार्टी के सबसे बड़े लीडर है मिर्जापुर, जीवन पिछली मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई वर्ड बोल दिया, उसका बहुत बड़ा बवाल हो गया। कौन सा वर्ड? वो मैं आप ही से सुनना चाहता हूँ, आप पार्टी को मुझे तो पता ही नहीं, आप बताओ कौन सा वर्ड उन्होंने बोल दिया सर, कि अगर तेरे में जोर हो तो पढ़ लेना। तेरे में जोर? मैं उधर आपकी तरह टैलेंटेड और खुला हुआ नहीं हूँ सर, तो अगर आप उस चीज को एड्रेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या हो गया यार, मतलब मेरा पॉइंट ये था सर, आप जो उसके गुलाब जी विपक्षी नेता है, उनकी आप वो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं नेशनल न्यूज बनती है वो, हाँ ठीक है राजस्थान के विपक्षी नेता ने ये बात बोली, तो ऐसी इतनी रेस्पॉन्सिबल जगह होना, उसके बाद अगर ऐसे वर्ड निकल जाते तो मेरे हिसाब से पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता ही। देखो बोस मेरी बात को, तो आप ये कहना चाहते हैं उसने उन्होंने गुलाब जी ने ये कह दिया था किसी पत्रकार, किसी ने आप पत्रकार को आप जिसको नहीं बोल सक रहे हो, मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर से, किसी पत्रकार ने कुछ ऐसा बोल दिया था और उन्होंने कहा था कि अब यार क्या बोलूं वर्ड वही उसको उसको देखो इसका क्या नाम है, मुंह, क्या नाम है इसको, मुंह, इसको क्या कहते हैं नाम, इसको क्या कहते हैं कान। तो अपनी मेवाड़ी में उस पोर्शन का नाम जहां से शुद्ध हिंदी में तो उसको कहते हैं गुद्दा द्वार, गुद्दा द्वार, हाँ शुद्ध हिंदी में जो कहते हैं ना गुद्दा द्वार, सुना भी सुना गुद्दा द्वार, जहां से लेडी निकलती है उसको क्या कहते हैं गुद्दा द्वार, और मेवाड़ी में क्या कहते हैं, हाँ क्या मेवाड़ी में, मेवाड़ी एक शब्द है मेवाड़ी में, उसको कहते हैं गार्ड, ठीक है ना। अब क्या होता है, आप वही बात करना चाहते ना, गुलाब जी भाई साहब ने आप उनके काम को देखो, उदयपुर में कितने बढ़िया बढ़िया काम किए गुलाब जी ने, सारे फोन लाइन लाए, ये लाए, वो लाए, कई सारे काम किए, इतने सालों में नेतागिरी कर रहे थे यार। तो अब कहीं कहीं उन्होंने कह दिया पापा ठीक है, जब अपनी मेवाड़ी में अपने उदयपुर में मेवाड़ में आपस में जब एक दूसरे से राम दीप करते हैं ना, तो अपने के लिए जा तेरे घाट में जोर कर लेना, कहते नहीं कहते घाट में जोर का मतलब क्या होता है, हिम्मत हो, हिम्मत, घाट में जोर का मतलब क्या होता है, घाट कोई गल ही नहीं है, एक शरीर के पार्ट का नाम है, उसको मेवाड़ी में ये घाट, ये क्या नाक, ये कान, ये अंगुली, इंग्लिश में इसको फिंगर कहते हैं, और इंग्लिश में इसको नोज कहते हैं, इसको आई, इसको आई कहते हैं, वैसे ही मेवाड़ी में उस पार्ट को जो गुद्दा द्वार है उसको क्या कहते हैं, घाट, ठीक है, वो कोई बुरा ही नहीं है यार, मेवाड़ी नाम है उसका यार। तो अब अपन नहीं कहते कोई झगड़ा हो जाए, जहां जोर हो तो कल लगा लेना, जोर का मतलब अगर आप कमजोर हो तो छेड़ा लग जाता, छेड़ा, तो जिसमें छेड़ा लगने का मतलब समझते हो, दर्द, इसको नहीं कहते,
लेकिन जिसके उसमें दम होगा उस पोर्शन में गुद्दा द्वार उसमें दम होगा उसमें छेदा नहीं लगेगा तो उसी में कहते हैं तेरे उसमें दम है नहीं। तो ये मेवाड़ी लैंग्वेज गुलाब चंद जी मेवाड़ के भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर है और मेवाड़ी में बात हो जाती है। हमने जनरल नॉलेज में बात करते हैं ना कई सारी हो जाती है तू कटेगी हो तू कटेगी हो अरे यार इसमें क्या हो गया। अभी कई सारी चीजें होती है जैसे कि कोई बिहारी सुन रहा होगा बिहार में गवार बली का क्या नाम मोदी अच्छा गवार बली का नाम। अभी तुम इधर सुकर सीकर झुंझुनू में चले जाओ आटे का क्या नाम है चून। सीकर झुंझुनू में आटे का नाम है चून। तो जब उधर ये ऐसे नाम है तो हमारे मेवाड़ी में उस पार्ट का नाम है। अब तुम नाम में तुम देखिए तो मेरे बाजू में बहुत दम है इस बाजू में बहुत दम है जब बाजू में दम हो सकता है तो उसमें भी तो दम होगा क्या। डेट्स ऑल राइट वो अपने शरीर का एक पार्ट है उसको अन्यथा में नहीं ले कोई बात वो गाली गलौज नहीं। तो सर मेवाड़ी में शरीर से अंगों के कितने भी काम है हाँ। तो मेवाड़ी में अपन जब भी बात करते हैं अधिकतर बातें ऊंची समझी जाती है अधिकतर बातें ऐसा क्यों हो सकता मतलब अगर मैं हिंदी में वही बात बोल रहा हूँ उसमें से ही मतलब की तो बंदा उतना ही समझे। अरे यार मेवाड़ी में तू कड़े क्यों अब ये तो हमारे मेवाड़ी लैंग्वेज तू कड़े क्यों यार आप मैं जानू क्यों आप कहाँ गए किसी से हिंदी वर्ड जैसे इंग्लिश में सर यू ही कहा जाता है तुम बोलना है आप बोलना है कुछ भी करना है यू बोला जाए हाँ। उसका कोई वर्ड नहीं है आपका मतलब कुछ और है और तू का मतलब कुछ और है किसी सामने वाले को अगर बुलाना है तो यू करके बुलाएंगे यू कम हियर यू टेक इंग्लिश तो बेवकूफ की क्या बात है कब से बड़ी जैसे कि जियो बड़ा डीओ टू डीओ टू तो जियो वो होना चाहिए क्यों हुआ पता नहीं कहां से कहां खाना मात्रा इंग्लिश इंग्लिश के कोई खाना मात्रा नहीं जब जियो को मतलब डीओ को टू कहते हो तो जियो को वो नहीं कैसे वो कौन उसको है वो के नाम तो ये इंग्लिश की बात मत करो यार अपनी भाषा को जैसे कि अपने कहते ना तू कटे क्यों है अपनी भाषा की बात करो सर हिंदी में जब क ख ग बोला जाता है तो क ख ग यहाँ से बोला जाता है बिल्कुल क सबसे नीचे ख ग ग इस तरीके से जाता है गहराई में जाता है उसके बाद अगर एक तरीके का वर्ड है त ख द ध तो जीवान से बोला जाएगा प प प तो जीवान से बोला जाएगा। इतनी अपनी साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से प्रूवन लैंग्वेज है हिंदी उसके बाद भी यहाँ पर जिस भाषा में मात्रा नहीं है वो नहीं है उसको अपने देश में स्थिर सर भाषा नहीं है यहाँ पर अपने यहाँ पर अंग्रेजी को भाषा नहीं माना जाता अपने यहाँ पर अंग्रेजी को माना जाता है ये तो एक कला है जिसको आती है वो ज्ञानी है और जिसको नहीं आती है वो अनपढ़ है। अपने भारत में स्पेशली ये चीज है सर रशियन नहीं मानते रशियन रशियन लैंग्वेज में बात करेगा चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज अपने यहाँ पे इंग्लिश जिसको ठीक ठाक नहीं आती उसको ऐसा कहा जाता है ये और बात आ जाएगी सर ये अपनी मजबूरी है जी सर। हमारा भारत देश कई सब आज से अगर सैकड़ों हजारों साल पहले तो भारत देश सोने की चिड़िया था सब देखते हैं बड़े बड़े मंदिर थे सूर्य मंदिर था कोणार्क मंदिर था जैसे चित्तौड़ का जो किला है सब 1100 ईस्वी में बना था कई सालों पहले है। लेकिन क्या कि जब इस पे आक्रमण हुए मुगलों के द्वारा कई लोगों ने आक्रमण किए तो फिर क्या हुआ था कि फिर अंग्रेजों ने आकर राज किया 250-300 साल तो फिर मुसलमानों का राज खत्म हुआ अंग्रेजों का राज आ गया अंग्रेजों के राज में हम लोगों ने फिर एकता दिखाई और अंग्रेजों को भगाया। लेकिन अंग्रेजों से बहुत कुछ हिंदुस्तान को मिला है ये लैपटॉप कहां से आया क्या भारत में पैदा किया गया ये ट्यूबलाइट ये एयर कंडीशन ये रेल ये मोटर गाड़ी ये सब अंग्रेजों की देन है मोटर गाड़ी रेल बैल ये सब अंग्रेजों की देन। हाँ तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जो इन 400-500 सालों में दिया है उससे भारत वापिस आगे निरंतर बढ़ रहा है। अंग्रेजों की बात करें जब वो राज करते थे तो उनके एक लॉर्ड
माउंटेन में अगर नाम से ले रहा हूँ अगर लॉर्ड माउंटेन थे उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लंदन में जाकर अंग्रेजों की संसद में जाकर भाषण किया कि अगर हिंदुस्तानियों पे अपने को कंटिन्यू राज करना है तो उनमें कमतरी का भाव करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि वो लोग जो भी करते हैं वो आज की दुनिया के साथ सही नहीं और हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही है उसको लेके उन्होंने गुरुकुल खत्म किए सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा पे कमतरी लगाई अंग्रेजी जिसको आती उसी को लेते थे वो तब से ये कल्चर चला आ रहा है तब से ये अंग्रेजी का जॉब में और सब में इतना कल्चर है तो सर इतना सब डिजाइन का प्लान था आपको लगता है उसे नुकसान हुआ यार अंग्रेजी पढ़ना कोई गलत नहीं कोई गलत बात नहीं सर बिल्कुल गलत बात नहीं अपन मेवाड़ी में रहते हैं या हिंदी में रहते हैं तो मान लो तुम कैसे डॉक्टर बनते हैं क्योंकि सबसे पहले जो इंजेक्शन और मेडिसिन तो पोलैंड से आया था तो उसकी भाषा को समझने के लिए आपको समझना तो पड़ेगा ना किताब को यार लेकिन क्या वही डॉक्टर सर अगर मेवाड़ी से मिलेगा उसके बाद अगर वो मेवाड़ी में बात कर रहा है तो उसको बोलेगा यार तू वहीं का वहीं अनपढ़ नवा रहेगा आजकल के जितने डॉक्टर है वो जब रात को शाम को कुछ भी करते चाय पीते दारू पीते कुछ भी करते तो मेवाड़ी में बात कर लेते अब वापिस ये कल्चर चालू हुआ सर मेवाड़ी की अगर मैं बात करूँ मेवाड़ी की कोई लिपि नहीं है जैसे गुजराती की अपनी लिपि है मराठी की अपनी लिपि है हिंदी की तरह उसके भी मेवाड़ी मारवाड़ी शिकावटी की लिपि नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बिकॉज अपने स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती उनके सबके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उनकी रीजनल लैंग्वेज को अपने यहाँ पे पढ़ाया या अगर पढ़ाना भी नहीं तो कम से कम एक महीने में एक दिन तो हो जब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें कम से कम स्कूल में ऐसा भी कल्चर हो लेकिन ऐसा कहीं पे भी इवन हिंदी बोलने में फाइनल में लग गया आजकल स्कूल में कहीं कहीं पे तो ये सारी चीजें कहाँ जा रही है ये चीजें देखो अपन सब शुद्ध हिंदी ये जो लैंग्वेज की जब बात हुई आपने सब बिल्कुल सच बात की जैसे उत्तर प्रदेश वहां पे भी कोई उसकी भाषा नहीं है बिहार की भी कोई भाषा नहीं है और अपनी भी नहीं है दिल्ली की भी कोई भाषा नहीं है हिमाचल प्रदेश की भी कोई भाषा नहीं है और राजस्थान की भी कोई भाषा नहीं है मतलब जिसको कहते हैं गुजरात में तो पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी अलग है उधर चले जाओ अपन मराठी तमिल मैं समझता हूँ कि वो हिंदी ही माने अपने क्या बात करेंगे यानी कि मैं तो यू समझता हूँ कि जिस जिसको हिंदी आती है वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो सबसे या तो पढ़ा लिखे का मतलब ये हुआ कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कहते हैं कि संस्कृत से ज्ञान प्राप्त हुआ पुराने जमाने में संस्कृत ही थी और संस्कृत से ही वो अक्षर टूट टूट के हिंदी बने कोई मतलब मराठी से हिंदी नहीं बनी पंजाबी से हिंदी नहीं बनी उर्दू से हिंदी नहीं बनी संस्कृत भाषा से ही या मेरे से ज्यादा ज्ञान होता बताओ मेरे ख्याल से जैसे वो तो जब आर्यों की भाषा या बहुत पुरानी भाषा संस्कृत थी संस्कृत सबसे ज्यादा चलती थी पहले उधर क्या बोलते बिहार में जहाँ जितने भी जैन समाज के बड़े बड़े जो जितने भी लोग पैदा हुए ना सब संत लोग वो तो यूपी बिहार में पैदा होते हैं जैसे अपन वाराणसी देख लो वाराणसी को कितना पुराना मानते हैं विश्व का सबसे पुराना शहर विश्व का वाराणसी तो वाराणसी जो विश्व का सबसे पुराना शहर है तो इसका मतलब तो कितने 10,000-11,000 साल हो गए होंगे तो 10,000-11,000 साल पहले भी संस्कृत चलती थी उसी से टूट टूट कर ये सामान आया है सर आपने संस्कृत की बात की हम लोग अभी रिसर्च जब कर रहे थे तो संस्कृत का एक हमारे पास पॉइंट आया था इंग्लिश जब मैं अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मेरा इंडियन टोन आएगा कि इंडियन बोल रहा है ठीक है अगर कोई यूपी वाला बोला बोलेगा तो यूपी का टोन आएगा उसमें चाइनीज बोलेगा इंग्लिश तो चाइनीज टोन आएगा उसमें जापानी लेकिन संस्कृत एक मात्र ऐसी भाषा है जो इंग्लिश वाला मंत्र पढ़े यूपी वाला पढ़े या हिमाचल वाला पढ़े वो अगर गायत्री मंत्र बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो एक ही टोन आता है एक ही एक्सेंट आता है इतना ये वैज्ञानिक तरीके से प्रूवन है अपनी संस्कृत भाषा बिकॉज इंग्लिश की अलग अलग बिकॉज अपने वोकल के हिसाब से डिजाइन है पूरी भाषा तो इतनी मतलब वो वाली बात हो गई है कि दुनिया अगर पुराना वाला नोकिया चला रही है तो आज भी आप भी नोकिया चलाएंगे आप स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे जैसे संस्कृत एक टाइम पे बोली जाती थी अपने भारत में आज बोली जाने की भाषा नहीं रहेगी मेवाड़ी की भी क्या भविष्य में ऐसा देखते हैं कि आज से 50 साल बाद 80 साल 2-3 जनरेशन बाद ऐसा मेवाड़ी के साथ भी हो सकता है हो सकता है कारण के कई सारी चीजें ऐसी है इस वर्ल्ड में अब क्या पूरा जितने भी देश होते हैं वो
वो वर्ल्ड के हिसाब से चल रहे हैं। वर्ल्ड में अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी ज्यादा चल रही, फिर अरब लोग आए तो उन्होंने अपनी कौन सी अरबी भाषा ज्यादा चली, और आज भी सब कुछ अरबी में ज्यादा देखते हैं। आप दिल्ली चले जाओ, उधर यूपी चले जाओ तो झगड़े होते हैं, हमारी अरबी भाषा में स्टेशन का नाम लिखो। मान लो दिल्ली है तो दिल्ली में औरंगजेब रोड निकल रहा है तो वो अरबी भाषा में भी लिखो, देखते होंगे आप सब। तो यानी कि हिंदी के लिए कोई लड़ ही नहीं रहा सर, भाषा का इतना वर्चस्व है कि गुजरात में गुजराती के बोर्ड नहीं मिलेंगे, तो राजस्थान में भी आप आएंगे और नाथद्वारा में जाएंगे तो वहाँ पे भी दुकानों के बोर्ड आपको गुजराती में दिख जाएंगे। बिकॉज भाषा वो अपनी भाषा पे इतना गर्व करते हैं तो वो जहाँ जाते हैं रेगुलरली वहाँ के लोगों को भी गुजराती आए नहीं है लेकिन अपने बोर्ड गुजराती में लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन ये मेवाड़ी के साथ कहीं पे भी अगर अपना कोई मेवाड़ी का नाम भी रखता है दुकान का तो भी लोग उसको अजीब कहते हैं, इंग्लिश नाम रख, ये रख, वो रख। ऐसा होता है जी, जैसे कि मैं मान लो मैंने मेवाड़ चैनल रखा सामना, 25 साल हो गए केबल चलाते चलाते मेवाड़ केबल, तो दोस्तों ने कहा यार ऐसे क्या नाम रखता है यार जी, मेवाड़ केबल क्या रखता है, कोई अच्छा यूनिक नाम रख, तो इंग्लिश नाम रख, स्टार प्लस चलेगा, वो चलेगा, स्टार स्पोर्ट्स चलता है, ऐसा कोई विजन रख, वर्ल्ड विजन, विजन डिस्ट्री भी अपनी सर मैंने कहा मरने दे जाता तो अपने तो मेवाड़ केबल चल रहे थे मेवाड़, तो जिसने कोई स्टैंडर्ड नाम रखे ना मेरी केबल लाइन में वो सब तो पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल वाले है ना उन्होंने मेरी स्टाइल पकड़ ली। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी न्यूज है चाहे आज तक हो, स्टार हो, जी न्यूज हो, अभी अभी तो मेरी स्टाइल में आ गया अरविंद कुमार, क्या नाम है गोस्वामी जी सर, क्या जैसे वो टेबल ठोकरा तार ठोकरा हाथ पांव मुझे रखता तो राष्ट्र भान के न्यूज पढ़ रहा है जी सर। आज से 30 साल पहले पर मैंने जब न्यूज चैनल चालू किया जी तब क्या हुआ था कि अपने तो न्यूज अपने छूटा पकड़ना था और कुछ बोल देते हैं उसको दिखा देते हैं और उसमें मिक्सिंग भी नहीं होती थी। अच्छा, माइक को टूटा लेते हैं बड़ी अरे अरे यार आप उसको पकड़ के क्या बोलो। हां सर, राइट सर, अब उसको माइक को मान लो यार ये चीज है ये इसको आप क्या कह रहे हो इसको हां जो भी बोल मतलब यहां से बोलो मतलब टूटेगी राइट भाई। माइक के भी कई सारे नाम होते हैं जी सर, ये कॉर्नर माइक है जी जी, वो तो माइक है स्टैंडिंग माइक है वो सर माइक ठीक है ना। तो अब उसको हाथ में पकड़ने वाले को क्या कहते हो जैसे आपने यहाँ लगाया उसको कोरोना माइक बोलते हो और जो कोई नेता की भाषण देते हैं उसको कौन सा माइक बोलते हो माउस मुझे कुछ पता नहीं आप ज्यादा आपके इतने माइक है मैं तो आपसे पूछा हूँ तो मैं तो इजी है मैं लाइक आपने टूटा लगा रहा हूँ बाहर इंटरव्यू ले तो कई सारे दूसरे न्यूज चैनल वाले होते हैं मैं कहता हूँ आप अपने टूटे लाओ और बाकी दोस्तों क्या बोलते हैं वो लोग अरे अपना लोगो ला लोगो ला लोगो ला सब लोग लोगो पॉलिटिक्स लोगो है। वही बात चल रही थी कि लोगों ने मेरी स्टाइल पकड़ ली। मैंने जब न्यूज उतार दिया जैसे आपने कहीं देखा नहीं होगा स्टार प्लस में एक न्यूज आती है एक दाढ़ी वाड़ी लेकर एक लट लेकर आ गया है सनसनी सनसनी अरे बेकूफ मत सारे पढ़े लिखे तेरी स्टार न्यूज कितने लोग अच्छे से देख रहे हैं तू मैं वो गावड़े की टाइप लट लेके ऊंचे ऊंची करके सनसनी सनसनी वो लोग अपने सब पढ़ लिखे लोग खुश हो रहे हैं कुछ कौन होगा स्टार न्यूज एक और किसको कौन देखता था कोई गावड़े का आदमी देखता ही नहीं उसके पास स्टार न्यूज है ही नहीं तो पढ़े लिखो लोगों को लिए भी वो सनसनी जैसा देख रहे हैं तो कुल मिलाकर मेरी स्टाइल पूरे इंडिया के लोगों ने मान ली मेरे को लोग कहते थे अरे मेरे दोस्त कहते थे ये बेवकूफ ये तू न्यूज में ऐसे कैसे बोल रही है न्यूज में तो जैसे दूरदर्शन की न्यूज पड़ी होगी आपने ऐसे बैठना पड़ता था टीवी है ना आपके सामने चल रहा जैसे आज शाम को 7:30 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने एयरपोर्ट से रवाना होगी और वहां से सीधी सीधी एम्बेसडर कार में बैठ कर वो अपने निवास स्थान पर गई वहां पर उसके सारे मतलब कहने का कि वहां से उस जो दूरदर्शन की न्यूज का जो एंकर था ना वो इधर और इधर हिलता भी नहीं था सर वो जिंदा है ये तभी पता पड़ता था जब उनके सिर में जो गुलाब लग रहा था वो हिलता था बाकी तो ऐसा लगता था कोई मूरत मतलब यहाँ तक कि उसके झुमके भी नहीं हिलते थे ठीक है ना
न्यूज तो ज्यादा छोरी बढ़ गए, छोरी वोरी अपन नहीं लगता है, अपन तो अपने देशी स्टाइल में ही न्यूज बोलेंगे। जाओ मेरी न्यूज सब के हाँ तो चीज तो कुल मिलाकर केड़ा है कि मैं जो सोच रहा हूँ उस लाइन पर पूरी दुनिया चल रही है अपने स्टाइल पे आप बताओ चलो क्या न्यूज ऐसी बननी चाहिए क्या क्या जो आप 10 साल से पिछले 10 साल से आपको पता नहीं शायद इंडिया का सेकंड या थर्ड न्यूज चैनल इंडिया का अच्छा सर यस मैं मेरी मेवाड़ न्यूज में कैमरे से टीवी से जो चीजें बता रहा हूँ लगभग 25 वर्षों से बता रहा हूँ अब आपके पास क्या सामान है बताओ दूरदर्शन न्यूज था टीवी में दूरदर्शन न्यूज था उसके बाद में दूरदर्शन राजस्थान आया अब इसके बाद में कौन सी न्यूज चैनल आप बताओ 25 साल पुराना आप सब गूगल पे ढूंढना आज तक की विदेश क्या है टीवी राजस्थान की विदेश क्या है अगर राजस्थान में थर्ड नंबर कोई न्यूज चैनल आया तो वो है टीवी राजस्थान लेकिन सेकंड नंबर में वो भी आपकी बात है हाँ मेरे बात आया अभी भी हम कई कई लोगों से बात करते हैं पत्रकार सारे सभी सभी के गूगल स्ट्रीमर है वो सब यस इनकी उम्र आप गूगल पे तलाश करो ये जी न्यूज की आज तक की उसकी 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 न्यूज चैनल की उसकी बर्थडे क्या बात और मैंने सबसे पहले लगभग 20-22 साल पहले वहां से अपने जो नहीं कहते गांधी ग्राउंड से 15 अगस्त 26 जनवरी को लाइव किया था अगर आपने किसी ने देखा हो तो उस जमाने अगर आप नहीं आप ना दो क्या नाम आपका निखिल शर्मा निखिल जी शर्मा वेरी गुड आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार तो कुल मिलाकर लाइव फिर क्या है मैंने दूरदर्शन भी लाइव करता था आजकल तो हर कोई डिब्बा लगा लिया बोले पहले वाला जो हम लोकल लोग लाइव करते थे ना वो बहुत मुश्किल था मान लो गांधी ग्राउंड से हमको कोई चीज बतानी है लाइव तो मेरा कंट्रोल रूम दान मंडी में मेरा कंट्रोल रूम जिसको हम टीवी चलाते ना सब वो दान मंडी में तो वायर के थ्रू वहां कैमरा लगाकर वहां एम्पलीफायर लगा के उसके सारे सिग्नल पहले कहां लाऊंगा मेरे कंट्रोल रूम और यहाँ से वो पिन उसमें कंट्रोल रूम में डाल दूंगा जहां वीडियो बताते थे ना डेली उस वीसीआर में वो पिन डाल दी और आपके सभी टीवी पर चलती आज भी क्या है मान लो जैसे कि यहाँ आप मान लो थोड़ी देर के लिए जी टीवी के न्यूज एंकर हो ठीक है ना तो जी टीवी का आप लाइव कर रहे हो मेरा है आप किसी का भी तो सबसे पहले आपको सिग्नल भेजने पड़ेंगे दिल्ली या बॉम्बे उनके नोएडा ऑफिस में तो वो आपके सिग्नल को कैच करके फिर वहां से वो पूरा सिग्नल एक पर डाल देते हैं तो ये सिस्टम तो कुल मिलाकर ये कि मैं वो पुराना तो दम आप में होना चाहिए पहले कई लोग गाड़ी वालों को गुंडा कहते थे आज पूरी दुनिया सारे हीरो फिल्मी दुनिया में कोई गाड़ी वाला हीरो दिखा गया सब चिकने चट थे यार चाहे वो राज कपूर देख लो सुनील दत्त देख लो वो देख लो सिर्फ किसी को डाकू और गुंडा बनना पड़ता किसी हीरो को तो उसके गाड़ी नकली लगा देते सिर्फ कुछ हीरो थे हमें जब खुशी हुई तो जेकी शराब आया फिल्म हीरो मैंने कहा यार ये बंदा ठीक जेकी शराब और लगभग मैं 19-20 से उम्र स्टाइल भी बहुत मैच आती है अरे वो ही स्टाइल तो मेरी पत्नी मेरी लवर भी खुश अरे ये थे हम गाड़ी वाले हीरो जी जी सर तो आज भी मेरे फोन करो आप कोई शायद आपने मुझे फोन किया होगा तो उसमें वो गाना हीरो को ही बजता वो ही बजता है बिल्कुल एकदम वही है ना वो तो जेकी शराब ने हमें गाड़ी वालों का थोड़ा सा मान बढ़ाया फिर तो कई सारे हीरो आप सब जानते हो मेरा गाड़ी है वो हीरो बेवकूफ लगते हैं फिर लंबे आदमी का अगर किसी ने मान बढ़ाया वो बढ़ाया अमिताभ बच्चन बाकी किसी लंबे आदमी को सब राजस्थान राजेश खन्ना भावे को पसंद करते थे तो कुल मिलाकर मेवाड़ी जो आप बात कर रहे हो ना तो अपनी मेवाड़ी को अगर पावरफुल बनाना है तो अपने दोस्तों में अपने याद में परंतु क्या होता है जो मजबूरी होती है हम हमारे बच्चों को बहुत कुछ अच्छे से स्कूल में पढ़ाना तो सर आपकी फैमिली ने कभी आपको टोका कि यार आप की स्टाइल जो है उसको चेंज करो थोड़ा या ऐसा कुछ कभी बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स अगर हम लोग कभी मेवाड़ी में या कोई बोलते वो मेवाड़ी में बात करते तो हमें भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था पहले कि यार दोस्तों के सामने पापा मेवाड़ी में बात कर रहे हैं दादाजी मेवाड़ी में बात कर रहे हैं ऐसा कुछ कभी हुआ आपकी फैमिली में मेरी फैमिली में तो हो सब ये तो वो देसी है वो भी अंग्रेजी थोड़ी लाएगा ठीक है ठीक है मेरी फैमिली वाले वही जानते हैं हम भी वही वो भी वही तो हित तो सब वो है कि लेके आ गया
अरे तो कितने आप निरंतर चले भी जाओ ना भाई, जमीन तो नहीं छोड़ सकते वो आ जा जाए ना। तो आप यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो मुझसे, लेकिन अब अपने भाई के पास या अपनी पत्नी के पास या अपने लवर के पास जाओगे तो लव जब पहले मिले शुरू करोगे तब तो ढंग से स्टैंड पर थोड़े देर से, और जो भी साल डेढ़ साल का लव हो गया नहीं टूटेगी देर पिछले होगा ना, कुल मिलाकर वो देसी भाषा में अपनी लाइफ पे आ जाता आ जाता है। तो आपकी फैमिली में ऐसा कभी कुछ नहीं, कोई नहीं हो बच्चों ने कभी बोला होगा यार पापा स्कूल में आ रहे हैं आप तो स्कूल में आ थोड़ा नहीं, वो जाना बहुत डर से जाना पड़ता है जी, वो जाना पड़ता है पेरेंट्स मीटिंग में डर से शर्ट भी डर से पहन के जाता, ये बटन वटन बंद करके जाना पड़ता था जी सर, और बात भी बिल्कुल हिंदी में, बात भी वो हिलता ही नहीं था। हाँ सर हाँ सर, बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता सर, मैं पढ़ूंगा ये ट्यूशन लेंगे, तो कुल मिलाकर बच्चे को आगे बढ़ाना है जी सर, कल्चर वही है। तो उसमें अगर मैं उसके दूर है ऐसा नहीं होगा वो ऐसा, तो इसी तरह की तो फिल्मों में चलती है नाटक की रियल लाइफ में नहीं चलती, रियल लाइफ में नहीं चलती बिल्कुल नहीं चलती। सर मेवाड़ी से आपका जो लगाव पूरा उदयपुर जानता है, उदयपुर की जो सक्सेसफुल लोग हैं मैंने देखा है कि वो जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को तो फिर भी वो मेवाड़ी में बात करना जैसी रहना अपने लोगों के साथ, लेकिन जब वो एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं उसके बाद उनके हाव भाव सारी चीजें बदल जाती है, वो फिर इंग्लिश कल्चर में आ जाते हैं, फिर वो उन लोगों के साथ रहना छोड़ देते हैं जिसके साथ थे, वो चेंज कर देते हैं अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं, उनको लगता है ठीक है हमने पैसा कमा लिया एक तरीके में पहुंच गए हम लोग अब नए तरीके मेंटेन करेंगे। इस चीज के लिए मैं एक आदमी की तारीफ करूं जी सर, हमारे उदयपुर के जिसको मेवाड़ के सिटी विलेज के मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह जी सर, जिसको अरविंद सिंह मेवाड़ के जी सर, मैं लगभग अरविंद सिंह मेवाड़ के टच में भी इस केबल के कारण 25-26 सालों से हूं जी। तो अरविंद सिंह मेवाड़ के पास जाने को मेरे को बहुत करीब से ऐसे ऐसे जैसे आप चाय पी रहे हो जैसे उनके साथ चाय भी पी हुई है, और जैसे आप ये मान लो रात को दारू पीते थे तो हम उनके साथ दारू भी पी रहे थे, पार्टी में होता है। बट अरविंद सिंह मेवाड़ के बारे में आप भी सुना होगा कि वो शुद्ध मेवाड़ी में बात करते हैं, शुद्ध मेवाड़ी में वो किसी को भी कहे मान लो किसी सफे गर्म जर गए सुना आटा है देख रहे हो अरे कचरो साफ भी हो, और जो भी मेवाड़ी का ऐसा नहीं होते भला और ना तेरे खबर नहीं पड़ेगा टी जो देख तारो बाप अटने कचरो पड़े तो ऐसे। अब मान लो जैसे कोई दूसरा ड्राइवर आ गया, अरे ये ड्राइवर अटी आ रहा तेरे खबर नहीं पड़ेगी लेट भी, मतलब कुल मिलाकर मैंने अरविंद सिंह मेवाड़ उदयपुर के राजा भी अपनी राजा भी अपनी मेवाड़ी को नहीं छोड़ता है आज भी। मेरे ख्याल से तो लक्ष्मण सिंह भी लगभग ज्यादातर मेवाड़ी में बात करते हैं। तो यही है कि उदयपुर वालों को भी समझना चाहिए कि अपनी भाषा को जैसे गुजराती गुजराती में बात करता है, सिंधी लोग सिंधी अपने आपस में सिंधी में बात करते हैं, तो मेवाड़ियों को भी आराम से मेवाड़ी में बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चों को समझ में भी नहीं आती मेवाड़ी, मतलब सुनना बोलना चलना तो दूर की बात है, अगर कोई वर्ड बोल दे उनको बोल दे कि आड़ा बंद कर दे तो वो ढूंढते रहेंगे घर में बंद क्या करना, उनको पता नहीं है कि आड़ा किसको कहते हैं ये किस टाइप की बात, क्योंकि वो अपने दादाजी के पास बैठना दादाजी के पास बैठना ही छोड़ दिया है, बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया है करके, और उनको ऑकवर्ड भी लगता है, दोस्त आते हैं तो वो दादाजी मेवाड़ी बोलेंगे मिलवाते भी नहीं है वो, इतना इंग्लिश का कल्चर इतनी सारी चीजें बात तो मेक इन इंडिया की हो रही है लेकिन अपनी ही भाषाओं की रेस्पेक्ट नहीं होती है। अगर कोई रेस्पेक्ट नहीं है उसका क्या होता है कि बाप दादा के पास खेती बाड़ी थी, चार भैंसे चार गाय चार बकरी चार भेड़, तो बाप दादा को तो क्या है उसको मालूम है कि उसकी औकात उसकी जमीन ये खेती बाड़ी ये थी, और उसको अपने बच्चे बच्चे को उसको कल्चर को ही समझाना पड़ता था ये बकरी में या बकरी बांध दे दूध निकाल ले पानी पिला दे ये कर दे, तो उसकी भाषा तो वो वही प्रमोट करेगा वो वैसी भाषा मान करता था, लेकिन जब मान लो मैं थोड़ा सा पढ़ा मेरे बेटे को थोड़ा और पढ़ाया, अब मेरे बेटे को मेरे को इंग्लिश मेरे को अगर बहुत ज्यादा आगे पहुंचाना उसको कलेक्टर बनाना आईएएस बनाना डिप्टी कलेक्टर बनाना, तो कोई वो बकरी की भाषा खेती की भाषा से तो कलेक्टर आईएएस नहीं बनेगा, तो जब मेरी भावना ये है कि मुझे इसको कलेक्टर बनाना है आईएएस बनाना एसपी बनाना, तो देखो मजबूरी में अपने बच्चे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए वो इंग्लिश अच्छी करनी पड़ती है, और वो इंग्लिश क्या कोई आईएएस बनेगा तो आईएएस तो पूरे इंडिया में जाएगा कहीं भी जाएगा, आईएएस नौकरी बिहार में भी करेगा
आईएएस नौकरी पंजाब में भी करेगा। लेकिन क्या वो इंग्लिश सीखने के बाद मेवाड़ी जो उसका फादर बोल रहा है उसके दादाजी बोल रहे हैं उनको एक हीन भावना से देखना स्टार्ट करता है क्या वो सही है? वो बेवकूफ लोग है, वो ऐसा परामर्श लोग है। उसको क्या मेरी भाषा में क्या बोलते हो कि जिस माँ बाप ने मेवाड़ी में बोल बोल कर अपने बेटे को आईएएस आईएएस बनाया है या बड़ा आदमी बनाया है और वो अपनी माँ से भी हमदम करता है, दिस इज रॉन्ग। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि स्कूल्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें आजकल के बच्चों को अपनी रीजनल लैंग्वेज के प्रति रेस्पेक्ट बतानी, स्कूल बहुत बड़ी। तो क्या एक महीने में कम से कम बिकॉज गुजरात में यहाँ पे तो पढ़ाई जाती है, बिकॉज उनके पास लिपि है तो पढ़ाई जाती है अपने यहाँ पे पढ़ाई, बट एक महीने में एक दिन तो हो जहाँ पर घरों में या स्कूल में भी वो रीजनल लैंग्वेज में बात करें, कम से कम महीने में एक दिन तो निकाला जा सकता है बड़ी के लिए? निकालने भी है लेकिन ज्यादा मेवाड़ी में बात करते भी है। लेकिन फर्क कब आ जाता है, मान लो कि आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या होता है कि अपनी जात में शादी कौन करते हैं, लव हो जाता है, लव तो कहीं से भी हो जाता है, लव कहीं से हो जाता है तो वो फिर उसकी भाषा को उसकी भाषा चेंज हो जाती है, तो चेंज हो जाती है तो वो भाषा फिर बच्चे बच्चे कहां से सीखेंगे? तो अगर दोनों ही देशी है, मान लो दोनों भोईवाड़ा के है या दोनों गोपालपुरा के है या दोनों मीटर कानपुर के है हस्बैंड वाइफ, तो वो भाषा मेल खा जाती है। बट मतलब आप तो यहाँ से हो और आपकी लवर भी आपकी जो आपकी पत्नी है वो महाराष्ट्र की है, तो वो बच्चे बच्चे तो यार शुद्ध जो आप बोल रहे हो वही बात होगी। अब आप अपनी पत्नी को तो मेवाड़ी में बोल नहीं सकते, वो महाराष्ट्र में हो, तो इस कल्चर को बढ़ाने के लिए तो या तो सर मोहल्लों के नाम भी बहुत चेंज हो गए। पहले होते थे भोईवाड़ा, पांजी का भट्टा, मंडी, इस टाइप। आजकल होता है तो डिफेंस कॉलोनी, जैन कॉलोनी, ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, इस टाइप से। तो वो पुराना जो कल्चर था वो कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, नहीं नए उदयपुर में तो कम से कम। आप नगर में चले जाइए या चले जाइए, पुराना कल्चर कहीं पे भी नहीं दिखता है ना, तो पहने रहने का। आज मेरे दादाजी बताते हैं कि अगर गाँव में कोई मर जाता है किसी डेथ होती है तो वो बताते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि उसकी डेथ होगी, हम कहते हैं कि धोती कम होगी, बिकॉज वो लास्ट आदमी था उसके परिवार में धोती पहनता था, अब कोई उसके जनरेशन को धोती नहीं पहनता। तो ये चीजें खत्म होती जा रही है, धोती पहनना या मतलब अपने कल्चर को जो भी रिप्रेजेंटेशन, तो ये कहीं पे भी नहीं बच रहा है। तो ऐसा अपने बच्चों को कम से कम अपनी कल्चर के बारे में जानकारी तो देनी चाहिए, देनी चाहिए पर मजबूरी है। क्या होता है कि अभी कुछ सब लोग लफड़े कर रहे हैं, पत्नी भी नौकरी करती है बिजनेस करती है, हस्बैंड भी नौकरी करता है बिजनेस करता है, वो उधर जा रहा वो इधर जा रहा, फिर क्या होता है कि जनसंख्या कागजों में कह रहे हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है लेकिन मेरे ख्याल से जो पहले बढ़ रही थी उससे अब धीरे हो गई। पहले तो मान लो मेरे बाप ने 6 लोग पैदा किए, मतलब मेरे 5 भाई और 1 सिस्टर, मेरी पत्नी के भी 5 एक भाई 6 सिस्टर है। अब क्या हो रहा है, मैंने मान लो 2 बच्चे ही पैदा किए, तो आजकल की जनरेशन क्या करती है कि एक बच्चा पैदा करती है, तो एक बच्चा पैदा करती है तो संख्या तो मेरे हिसाब से कम हो रही है, कमाने ज्यादा जा रहे हैं। ये मेरे को पता, मेरे को भी देसी भाषा में बताऊं तो समझ में नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति जब हमारे माँ बाप 6-6, 7-7 आदमी को भी इतना पढ़ा लिखा दिया, काम धंधा करते थे और इनकम उस समय कम थी, जो है उससे तो कम थी। तो यार आजकल के माँ बाप अपने इतनी क्यों भागम भाग में पड़े हुए हैं और अपने एक छोरे को भी ढंग से नहीं पढ़ा सकते, तो ये कुछ बैलेंसिंग गड़बड़ आ रहा है, इसके बारे में आप कुछ हुआ क्या होना चाहिए? सर मुझे ये लगता है कि भले एक बच्चा हो या 6 हो, अगर टाइम और उसको ढंग से परवरिश दे पा रहे तो उसकी बात है, मेरे को तो पर्सनली ये लगता है। तो अगर हम 2 भाई बहन थे, मेरे दादाजी मेरे फादर हैं तो उनके 6-7 भाई बहन थे, मेरे दादाजी ने 7ों को उतनी अच्छे से पढ़ाया जितने मेरे फादर 2 को पढ़ा रहे, तो वो बात है कि अगर आप 6 हैं और अगर आप नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, उनमें पैसा नहीं लगा पा रहे, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे, तो 6-7 का भी मेरे को लगता है कि कोई बट क्या आजकल ये जितने गवर्नमेंट स्कूल आए ना, इन स्कूलों में क्या होता है कि अपनी जो आइडियोलॉजी होती है इंग्लिश में वो बात तो पढ़ा, दूसरा ये कि भाई कैसे का पढ़ा, और अब आम आदमी को हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट के स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल हो तो अपने 10 बच्चे हो तो भी अपन पढ़ा सकते हैं,
कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई खर्चा ही नहीं, 10 बच्चे को खाने रोटियां भी खिलानी यार। लेकिन सरकारी स्कूल में आप जाओगे तो उसकी फीस भी ज्यादा है, और ज्यादा बच्चे पढ़ा तो आदमी बेचारा ज्यादा बच्चे इसमें भी मजा नहीं आता। फिर क्या हो रहा है कि सरकार ने क्या मतलब बैंड लगा दिया, जो तीसरा बच्चा होगा तो आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपके प्रमोशन रोक दिया जाए, अगर आपके तीसरा बच्चा हो गया तो आप पार्षद भी नहीं बन सकते। सर मेरा एक पॉइंट ये था कि आप राहुली मेवाड़ी बोलते हैं आप सब इसी चीज, तो आप सर जनरली घर में और अपने दोस्तों के बीच में और इंटरव्यू के टाइम पे, जैसे अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू है, कोई बहुत बड़ा नाम है, तो उसके पीछे तैयारी करते हैं आप कुछ, आप क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है? बिकॉज मैंने जब आपसे बोला था कि यहाँ आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आपको मैंने बोला था मैं क्वेश्चन आपको पहले से भेजूं, आपने मना कर दिया था, नहीं मेरे को क्वेश्चन थी, ऐसे कैमरे थे
रजत तो भी मैडम वो सिंपल बैठी सीधी बैठी ओके यस ठीक है। जब आपने एक प्रश्न पूछ ही लिया तो आपने मेरी फिल्म बागवान देखी होगी, उससे बाद रिलीज हुई होगी, आपने मेरी फिल्म बागवान देखी होगी। लव ऐसा होना चाहिए जो टीनेज से स्टार्ट होता है और जब वो बुजुर्ग हो जाए तब तक वो एक दूसरे के बिना तड़फे, ऐसा लव होना चाहिए। आजकल के जितने भी यंगर्स है उनको यही शिक्षा देना चाहूंगा। अब ये प्रश्न आज जिंदगी में किसी पत्रकार ने पूछे नहीं, पूछा तो बताओ और उसने जवाब दिया और अभी यूट्यूब खोला मेमो वाले ने मेरा अपना मेवा चल रहा था आपको दिया आपको आनंद आया जी सर, तो कोई तैयारी करके नहीं जाता जी सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि मेवाड़ी का अगर आपको कोई सॉन्ग याद हो या मेवाड़ी को कविता याद हो कुछ भी मेवाड़ी में सर आप सुना सकते हो। मेवाड़ी में तो क्या है वो गाना है जिसको मेवाड़ी मारवाड़ी सब कह सकते हैं जी सर। इंजन चाले चक बक कार जो धड़के धक धक माने एक ली बेटा सोनी रेल में ओ माने दरपड़ी लागे रे बंबई मेल में गाओ आप। इंजन चाले चक बक कार जो धड़के धक धक ये इसी मेवाड़ी गाना है जी सर। जी सर तो वो रेल चलती थी पहले जो महिलाएं डरती थी जब 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 चलती थी सर। जितने भी व्यूअर्स हमारे को देख रहे हैं सबको बताना चाहूंगा कि लाइव सेशन में हमारे पास समय की बाध्यता है तो ये लाइव सेशन हम लोग यहाँ पर आज खत्म करेंगे। पूरा जो सेशन है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। पूरा पर्पस जो था इसका वो मेवाड़ी लैंग्वेज के साथ एक चीज ये बोलना था कि सही गलत पे अपन लोग बात कर सकते हैं बट आप जैसे हैं उस पर प्राउड बनना बहुत जरूरी है। और ये सर ने हमेशा से किया है कि वो कोई चीजें कुछ चीजों के लिए कह सकते हैं हम लोग कि ये चीजें गलत बोली ये चीजें सही बोली लेकिन जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहा है, कोई लाख लपेट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई कोई चीज नहीं है। तो आप भी ऐसे ही रहे मेवाड़ी पे प्राउड करें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार लास्ट में सर बोलते हैं जय हिंद जय मेवाड़ आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है उसमें। जय हिंद जय मेवाड़ आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेवाड़ का बहुत बड़ा डायलॉग है जी सर, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता अणि मंत्र रो जाप करे वो ही मेवाड़ी सदा। धर्म के ऊपर चलना वो मेवाड़ ने सिखाया, मेवाड़ ने ही धर्म के ऊपर चलना सिखाया। महाराणा प्रताप भी अपने धर्म पे टिके रहे थे, बाकी तो कई सारे राजे रजवाड़े सब गुलाम बन गए थे चाहे वो अंग्रेजों को बने चाहे मुगलों को बने, महाराणा प्रताप ही अपने धर्म पे चले थे। तो जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करता अणि मंत्र रो जाप करे वो ही मेवाड़ी सरकार। जी सर जी सर। तो सर ऑन द एंडिंग नोट आप एक बार अपील कर दीजिए कि इंस्टाग्राम को फॉलो करें सब्सक्राइब करें और आप एक बार अगर आपकी अपील होगी तो शायद कुछ ज्यादा सुनने का पड़ेगा। दोस्तों ये इंस्पायर जो ग्रुप है मैं मिला हूँ कई साल कई से इनका मैं फेसबुक पर उस पर देखता हूँ अच्छे लगे और ये भी मेरे स्टाइल के लोग ही लगे है तो काफी पढ़े लिखे हैं लेकिन ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ मेवाड़ी लोगों से भी बातें कर रहे हैं, मेवाड़ी को कुछ और प्रोत्साहन देने के लिए मेरे जैसे आदमी को भी बुला रहे हैं तो इनको फॉलो करें। यही है भगवान आपको खूब आगे बढ़ावे यार, जैसे आप बढ़ रहे हो बहुत बढ़िया ऑफिस लगा आपका, बहुत बढ़िया सभी दोस्त लगे आपका स्टाफ लगा, धन्यवाद। थैंक यू सो